मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विभाजनकारी एजेंडे को उजागर किया था, मगर आज मैं आप सबके सामने आया हूं और मैं सबसे ज्यादा भरोसा मीडिया पर नहीं करता, आप पर करता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी जमात वाला हूं भाई। मैं भी बूथ अध्यक्ष रहा हूं। मैं आज आपके सामने एक एक कर 10 एजेंडा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। मैं पूछूंगा तब आप हा या ना में जवाब देंगे, करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे क्या? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं, आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आप ये मान कर दो। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। एक कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं, उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, रजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, रजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते, ये तीन परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? और भाइयों बहनों, अंत में ये राहुल बाबा के नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहां अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। अब आगे सुनिए, मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे, और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है इसको ये मांग रहे हैं, बताइए भाई, ऐसा कभी देखा है क्या? अरे भाई, मेरा 5 अगस्त, 6 अगस्त का भाषण सुन लो, उसमें मैंने कहा है चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को हम फिर से यूटी से राज्य बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी, आप लोगों को गुमराह मत करिए, हमने जम्मू कश्मीर को, हम जानते हैं
उसके सम्मान को भी जानते हैं।